हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विषय पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे NHRC भी कहा जा सकता है। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, NHRC के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूँ, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा NHRC के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और किसकी सिफारिश पर की जाती है? एक सिफारिश समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह समिति होती है। प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है, यानी केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसका सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति इसका सदस्य होता है। और दो सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा में विरोधी दल का, यानी विपक्ष का नेता और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता। 6 सदस्य इस सिफारिश समिति में होते हैं। तो समिति में 6 सदस्य कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समिति बनती है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये 6 व्यक्ति होते हैं। ये सिफारिश करते हैं और सिफारिश समिति की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो मैंने आपको बताया सिफारिश समिति के सदस्य, तो सिफारिश समिति के सदस्य कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिफारिश समिति के सदस्य होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूँ, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली सिफारिश समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? तो क्या राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली इस सिफारिश समिति में उपराष्ट्रपति समिति का सदस्य होता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। परंतु इस समिति में राज्यसभा का उपसभापति सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, तो मैं आपको बता दूं, 2019 में जब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो 2019 से पहले NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, तथा 2019 में जब संशोधन कर दिया गया तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष। और वर्तमान समय में NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। तो आप समझ गए होंगे, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। यदि 3 वर्ष पहले हो जाते हैं तो वह अपने पद से हट जाता है, और यदि 70 वर्ष का वह पहले हो जाता है तो अपने पद से हट जाता है। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यानी उसकी दोबारा भी नियुक्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? पुनः नियुक्ति भी उसकी हो सकती है। परंतु वह एक बार अपने पद से हटने के बाद, रिटायर होने के बाद, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी पद पर नहीं रह सकता है। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों
को पद से हटाना, यानी NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, या तो वो खुद त्यागपत्र दें, यानी स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं, अपने पद को छोड़ सकते हैं, और यदि वे स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद को नहीं छोड़ते हैं तो और किस विधि के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। नंबर एक, दिवालिया होने पर। यदि NHRC का अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकता है। नंबर दो, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर, यानी वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई रोजगार करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। नंबर तीन, मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ होने पर। यदि वह व्यक्ति या NHRC का अध्यक्ष या सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से या मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। नंबर चार, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर। यदि NHRC का अध्यक्ष या सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है जब सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा कर देता है कि यह सदस्य या NHRC का अध्यक्ष या कोई अमुक सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है तो उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद नंबर पाँच, न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाए जाने या सजा दिए जाने पर। NHRC के अध्यक्ष या सदस्य को न्यायालय के द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और फिर उस अपराध के लिए उसे सजा हो जाती है, वह सजा याफ्ता होता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। और सबसे विशेष कारण होता है दुराचार या अक्षमता। यदि व्यक्ति साबित कदाचार या अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे भी उसके पद से हटा देता है। परंतु इस संबंध में राष्ट्रपति यदि उसे उसके पद से हटाएगा तो उससे पहले वह उच्चतम न्यायालय को इस संबंध में जांच करने के लिए कह सकता है, और उच्चतम न्यायालय संबंध में जब जांच करता है और जांच करने के बाद उस व्यक्ति को कदाचार या अक्षमता के कारण काम करने में सक्षम नहीं पाता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई उस रिपोर्ट के आधार पर NHRC के अध्यक्ष और उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा देता है। NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन और भत्ते। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इनके वेतन भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण किया जाता है। NHRC का मुख्य कार्यालय, तो NHRC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। NHRC का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, और यदि आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर वह सरकार की अनुमति लेकर अन्य जगह पर भी NHRC के कार्यालय खोल सकता है।